स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज है तारीख 7 मई, हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर 9 यूनिट 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यूनिट टू का टाइटल क्या है हमारा। यूनिट 2 का हेडिंग है असेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग, विषय आधारित अधिगम का आकलन। इस यूनिट में हम पढ़ क्या रहे हैं, तो बेसिकली इस यूनिट में हम पढ़ रहे हैं कि किसी विशेष विषय में अधिगम की मात्रा का आकलन कैसे किया जाए, बच्चों का आकलन हम कैसे करें। तो इसमें हमने अभी तक पढ़ा, आकलन के लिए हमने पढ़ा टेस्ट, हमने परीक्षण के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन टेक्निक, अवलोकन तकनीक के बारे में हमने पढ़ा कि एक इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा कि परीक्षण क्या होता है, परीक्षण कितने प्रकार का होता है, परीक्षण कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा कि अवलोकन क्या है, अवलोकन कितने प्रकार हैं, इत्यादि हमने पढ़ा। अब हम लोग इसी कड़ी में देखने जा रहे हैं मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन के एक अन्य तकनीक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है हमारा पीर असेसमेंट, सहपाठी आकलन। तो आज हमारा टॉपिक है पीर असेसमेंट। चलिए, तो हम लोग असल में पढ़ क्या रहे हैं, तो टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसमें हमारा टॉपिक अब शुरू हो रहा है पीर असेसमेंट। हिंदी है इसका सहपाठी या साथी आकलन। पीर असेसमेंट, आइए देखते हैं इसके पहले, सबसे पहले अर्थ, कि इसका अर्थ क्या है। मीनिंग, तो सहपाठी आकलन का अर्थ क्या है, अर्थ देखते हैं। तो सहपाठी आकलन आकलन की वैसी तकनीक है जिसमें कोई एक छात्र या छात्रों का कोई एक समूह अन्य दूसरे छात्रों के व्यवहार का अवलोकन करता है, उनकी गतिविधियों का अवलोकन करता है, और उसके आधार पर आकलन होता है। अर्थात यह एक ऐसा आकलन है, आकलन की एक ऐसी तकनीक है जिसमें कक्षा कक्ष में बैठे छात्र एक दूसरे के व्यवहार का आकलन करते हैं और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निर्णय ले सकते हैं। अब यह जो तकनीक है पीर असेसमेंट, यह एक्टिव लर्निंग थियोरीज पर आधारित है, अधिगम के सक्रिय सिद्धांतों पर आधारित है। पीर असेसमेंट की मान्यता है कि यह आकलन की एक ऐसी तकनीक है जो अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को सक्रिय करती है, आकलन की प्रक्रिया में बच्चों को सक्रिय करती है। अर्थात आकलन की यह तकनीक बच्चों की सक्रियता पर आधारित है। इस तकनीक का केंद्र बिंदु, इस तकनीक के मूल में बच्चों की सक्रिय भागीदारी है। इस तकनीक आकलन के इस तकनीक में छात्र जो हैं वो सक्रिय रहते हैं और सक्रिय होकर अपने अन्य सहपाठियों का के व्यवहारों का, उनकी क्षमताओं का आकलन करते हैं। आइए अब देखते हैं इसकी विशेषताओं को। चलिए इसकी विशेषताओं को देखते हैं। पहली विशेषता कि पीर असेसमेंट, सहपाठी आकलन जो है, यह कक्षा कक्ष में सक्रिय अधिगम वातावरण का निर्माण करती है। आकलन की इस तकनीक का प्रयोग करके एक अध्यापक कक्षा कक्ष में अपने अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को सक्रिय कर देता है। दूसरी विशेषता कि आकलन की यह तकनीक आकलन के अन्य तकनीकों को समृद्ध करती है, उनको एनरिच करती है, एम्पावर करती है। अर्थात पीयर असेसमेंट के
प्रयोग से आकलन की अन्य तकनीकों को मजबूती मिल जाती है, उनका आधार बढ़ जाता है। तीसरी विशेषता है कि इस प्रकार की तकनीक से क्या प्रयोग करके हम बच्चों को सक्रिय कर देते हैं और बच्चे विद्यार्थी छात्र अधिगमकर्ता जो हैं वे सक्रिय होकर स्वयं के अधिगम और स्वयं के कौशलों के विकास पर विचार करते हैं और अपने अधिगम और कौशलों पर आलोचनात्मक चिंतन करते हैं। अर्थात इस आकलन में छात्रों को सेल्फ असेसमेंट का मौका मिलता है, स्व आकलन का मौका भी मिलता है। छात्र स्वयं अपने अधिगम और अपने कौशलों पर का मूल्यांकन करते हैं। इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं। पीर असेसमेंट जो है यह क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक है। यह आकलन की एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग कक्षा कक्ष में ही के दौरान ही होता है, कक्षा कक्ष में ही होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही होता है। अतः यह संरचनात्मक मूल्यांकन में फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। अगली विशेषता कि इस तकनीक के अंतर्गत जो समकक्ष मित्र होते हैं, जो समकक्ष सहपाठी होते हैं, समान योग्यता वाले लोग जो होते हैं, वे एक दूसरे के व्यवहारों का अवलोकन करते हैं। अर्थात ये सभी छात्रों को एक दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करने का अवसर उपलब्ध कराती है। अगला कि पीर असेसमेंट में सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन भी शामिल है और पीर असेसमेंट, सहपाठी आकलन और स्व आकलन ये दोनों साथ साथ चलती हैं। चौथा अगली विशेषता है कि यह मेटा कॉग्निटिव टूल है। मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, अर्थात संज्ञान के बारे में संज्ञान करना और चिंतन के बारे में चिंतन करना। अर्थात इसमें छात्र जो है इस प्रकार, यह जो है पीर असेसमेंट है, इसमें छात्र दूसरे की जागरूकता के प्रति जागरूक होते हैं, दूसरे के व्यवहारों के प्रति जागरूक होते हैं कि सामने वाला कितना जागरूक है, उसकी जागरूकता का जागरूक होकर अध्ययन करते हैं, यही मेटा कॉग्निशन है। फिर है सामूहिक क्रियाकलाप। यह जो पीर असेसमेंट है यह सामूहिक क्रियाकलाप पर आधारित है, ग्रुप एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट टूल है। इस प्रकार के आकलन तकनीक में सभी बच्चे जो है वो सामूहिक रूप से भागीदारी होती है, सामूहिक रूप से क्रियाशील होकर भाग लेते हैं। फिर यह जो है शिक्षण व्यवस्था को, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अध्यापक केंद्रित से छात्र केंद्रित बना देती है। अर्थात जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो हमारा शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम टीचर सेंटर टू चाइल्ड सेंटर। इस प्रकार ये इसके कुछ विशेषताएं हो गई। अब देखिए इसके लाभ। पहला इसका लाभ है कि यह बच्चों को स्वायत्तता प्रदान करती है, ऑटोनोमी देती है, जिसकी वकालत बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, जीन पियाजे, वायोग्रस्की आदि मनोवैज्ञानिकों ने यह वकालत की है कि बच्चों को स्वायत्तता होनी चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। तो पीर असेसमेंट जो है इसका फ़ायदा ये है कि इस आकलन की इस तकनीक के माध्यम से हम कक्षा कक्ष में बच्चों को स्वायत्तता प्रदान करते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है कि हमें छात्रों को सशक्त बनाती है, उनकी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करती है। इसकी तीसरा लाभ है सहपाठियों के आकलन में छात्रों में विश्वास जगाती है। अर्थात छात्रों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वे भी आकलन कर सकते हैं, निष्पक्ष आकलन कर सकते हैं। इसका चौथा लाभ है स्वमूल्यांकन तथा स्वचिंतन की क्षमता का विकास करना। अर्थात सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ थिंकिंग की क्षमता का विकास करती है। अगला है इंटरैक्टिव क्लास, अंतः क्रियात्मक कक्षा कक्ष का निर्माण करती है। इस तकनीक के अंतर्गत हमारी जो कक्षा कक्ष है वो बिल्कुल इंटरैक्टिव हो जाती है और सबकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। अगला है निष्पक्ष होकर मूल्यांकन करने की आदत का विकास करती है, जो रिलायबिलिटी के लिए, वैलिडिटी के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो मूल्यांकन की जो तकनीक है पूरी तरह से छात्र केंद्रित है। इस तकनीक के अंतर्गत छात्र जो हैं वो निष्पक्ष भाव से एक दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन, अवलोकन, आकलन करते हैं और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम छात्र केंद्रित बना सकते हैं। इस प्रकार के इस तकनीक का एक फ़ायदा ये भी है कि यह वास्तविक रूप से वास्तविक आकलन में सहायक होती है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को वास्तविक रूप दे देती है। यह जो आकलन की तकनीक है यह छात्रों को तत्काल पृष्ठपोषण प्रदान करती है और पृष्ठपोषण संरचनात्मक फॉर्मेटिव फीडबैक प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है कि हम
एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करें बल्कि उन्हें सकारात्मक फीडबैक प्रदान करें इसका अवसर उपलब्ध कराती है। और इस तरह हम बच्चों एक दूसरे के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानकर उसमें सुधार कर सकते हैं, बच्चे अध्यापक उसके अनुरूप सहायता प्रदान कर सकते हैं। और इस तरह यह तकनीक हमारी जो है आकलन की एक प्रमुख तकनीक है।